यूक्रेन बैटलफील्ड से इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रूस ने कीव पर ताबड़तोड़ कई मिसाइलें दागी हैं, जिसमें खासकर बिजली घरों को निशाना बनाया गया था और जिसकी वजह से कई बिजली घर पूरी तरीके से तबाह हो गए और एक बार फिर से कीव में अंधेरा छा चुका है। तो रूस के इस हमले से न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि पहले ही आशंका ये जाहिर की जा रही थी कि यूक्रेन पर रूस बड़ा हमला कर सकता है, लेकिन वो हमला इतना भीषण और जल्दी होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। पुतिन का गुस्सा कीव पर कहर बन टूटा। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूस ने एक साथ 60 मिसाइलें बरसाई, जगह जगह इमरजेंसी सायरन बजने लगे। रूस के इस बड़े मिसाइल अटैक से यूक्रेन के अलग अलग इलाके में बारूद की आग भड़क उठी। की खार्किव और दक्षिण में क्रीमी रिज इस मिसाइल अटैक में अहम टारगेट बने। पुतिन की सेना ने अपनी इस बारूदी बारिश में यूक्रेन के 9 बिजली संयंत्र निशाना बनाए। यूक्रेन की राजधानी का बुरा हाल है। रूस के मिसाइल अटैक से कीव में कैसा कोहराम मचा है, इसे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मिसाइल अटैक में कीव में अफरा तफरी मची हुई है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में लगी है, एम्बुलेंस जान बचाने के लिए दौड़ रही है। फायर ब्रिगेड की दो दो गाड़ियां मौके पर डटी हुई हैं। रूस की मिसाइल ने कीव में जो बारूद की आग लगाई है उसे बुझाया जा रहा है। Явно виходив з метро на видобичах і чую, ну вже піднімався по ескалатору, вибух та різко світло зникло. Виходжу з метро, тут стовп диму звідси. Прийшов сюди. Вже поліція була на місці і не пропускали сюди людей. रूस की सेना ने कीव में मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ये मिसाइल हमले कीव के एक पावर प्लांट पर किए गए हैं। पावर प्लांट से धुआं उठ रहा है। पावर प्लांट पर रूस के मिसाइल अटैक का सीधा सा मतलब है कीव में बिजली गुल करना, यूक्रेन की राजधानी को अंधेरे में डुबोना। यूक्रेन का दावा है कि कीव के 70% इलाके अंधेरे में